नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल टेक सपोर्ट पर। दोस्तों, अगर आप रांची यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेजेस में BA, BSc, BCom सेमेस्टर 1 सेशन 2022-26 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपना एग्जाम फॉर्म कैसे भर सकते हैं। एग्जाम फॉर्म भरने से पहले जो रजिस्ट्रेशन होता है, आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन है आपके दिमाग में। ये सभी कन्फ्यूजन्स का सलूशन लेके आज मैं इस वीडियो में आया हूं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पृथ्वीराज और आप देख रहे हैं टेक सपोर्ट। दोस्तों, अगर आपको सेमेस्टर 1 का फॉर्म फिलअप करना है तो ये वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको सबसे पहले अपना फॉर्म फिलअप करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना है रांची यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ranchiuniversity.ac.in। आपको रांची यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। रांची यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे टैग्स है, उसमें सिंपली आपको एग्जामिनेशन पोर्टल यहाँ पे जो सिंपली दिखाई दे रहा है आपको ब्लू कलर में, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको एक नया टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा टाइम स्लो लग रहा है, तो यहाँ पे सर्चिंग कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से आपका पूरा स्क्रीन शो करने लगेगा। यहाँ पे आपको इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलकम टू एग्जामिनेशन पोर्टल। दोस्तों, जैसे ही आप इस तरह से यानी अपने वेबसाइट पर आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं साइड में इतने सारे जो चार कॉर्नर है उसके सेकेंड रो में एग्जामिनेशन फॉर्म का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। उससे पहले अगर कुछ आप डिटेल्स जानना चाहते हैं तो नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म में यूजी सेमेस्टर 1 सेशन 2022-26 न्यू और ओल्ड, यानी दोनों का आप यहां पे भर सकते हैं फॉर्म। यहां पे देख सकते हैं सबसे पहले आप कुछ चीज़ें यहां पे देख सकते हैं। एग्जाम फॉर्म भरने से के पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट लॉगिन है, आप इसे पढ़ के अच्छी तरह से समझ लेंगे कि क्या क्या जरूरी है, क्योंकि इसमें एक चीज़ है कि रजिस्ट्रेशन के टाइम कोई भी डिटेल्स आप फर्स्ट में डालते हैं वही डिटेल्स को इसमें प्रमाणित कर दिया जाता है, उसके बाद आप वो डिटेल दोबारा नहीं डाल सकते हैं। इसीलिए आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले सोच समझ के अपना पूरा डिटेल्स सही सही डालना है। उसके बाद अगर आप कोई भी डिटेल्स गलत डालते हैं फिर बाद में कहते हैं कि हमें कमेंट करके कि मेरा ये गलती हो गया, ये हो गया, इसीलिए आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। तो दोस्तों, इस तरह से इंटरफेस जब दिखाई देगा आपका रांची यूनिवर्सिटी यानी अपना एग्जाम फॉर्म भरने के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सेक्शन है लॉगिन का। लॉगिन में यूजर नेम और पासवर्ड, लेकिन आप तो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं इसलिए आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड दोनों ही नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको आ जाना है नीचे, यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे आपके पास क्रिएट यूजर का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। फर्स्ट में है कोर्स है और सेकेंड में सेमेस्टर, तो सबसे पहले आपको कोर्स सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है, आपको FYUGP सेलेक्ट करना है या फिर UG, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं करना है आपको। आप सिंपली FYUGP आप इसको भी सिलेक्ट कर ले सकते हैं या फिर UG सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो आपको सेमेस्टर में सिर्फ 1 शो करेगा, तो आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आप UG सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए सेमेस्टर का 2 सेमेस्टर आपको चूज करने के लिए देता है, उसमें से आपको सिंपली उस सेमेस्टर 1 को चूज कर लेना है। लेकिन अभी आप न्यू सेशन वाले हैं इसलिए आप सिंपली FYUGP इसी को सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों, जैसे ही आप ये कोर्स और सेमेस्टर सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद नीचे आता है रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर आता है आपका यूजर नेम, और उसके बाद आपका डिटेल्स में फुल नेम है, फिर पासवर्ड है, रिटाइप पासवर्ड, ईमेल और मोबाइल नंबर। ये चारों ये जितने फॉर्म्स हैं ये सभी फॉर्म्स को आपको फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है तो आप अपने कॉलेज से रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं। और अगर आपको अभी तक आपके कॉलेज से भी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है तो मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उसका उस वीडियो को देख के अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कैसे निकालना है या पता करना है कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है नहीं, वो सारा स्टेप बाय स्टेप उस वीडियो पे बताया गया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, आप वहां से जाके वो वीडियो को देख सकते हैं, उसमें सारा डिटेल्स दिया गया है। तो अब बात करते हैं हम फॉर्म भरने की। तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिलअप कर लेना है। दोस्तों, जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे उसके बाद आपको स्टूडेंट्स डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह से पूरा डिटेल्स आ जाएगा आपको। अगर ये पूरा डिटेल्स आपका सही है आप प्लीज कंफर्म योर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, चेकआउट कर लेंगे, उसके बाद सीधे कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका नाम पूरा शो यहाँ पे आ गया है ऑटोमेटिकली। आपको अब एक पासवर्ड क्रिएट करना है, उसके बाद आपको रिटाइप पासवर्ड डालना है, फिर अपना ईमेल एड्रेस, फिर मोबाइल नंबर। लेकिन याद रहे रजिस्ट्रेशन नंबर और यूनिवर्सिटी यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजर नेम, यानी आप इसे दोनों सेम कर सकते हैं। आपका जो यूजर नेम है वहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि अलग आप कर सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो आपका पूरा डिटेल्स कंफर्म हो जाएगा।
दोस्तों जैसे ही आप अपना पूरा डिटेल्स डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, आपको इस तरह से एक वेरिफिकेशन प्रोसेस ओटीपी का ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ पे आपका ओटीपी आ जाएगा अपने मोबाइल पे, आपको ओटीपी यहाँ पे डालना है, फिर वेरीफाई कर लेना है। दोस्तों जैसे ही आप अपना ओटीपी दर्ज करके वेरीफाई कर लेंगे, उसके बाद आपको क्रिएट यूजर में इस तरह से ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा डिटेल्स आप यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको अपना पिक्चर्स अपलोड करना है, फोटो, फिर सिग्नेचर। यहीं पे आप लोग मिस्टेक करते हैं, इसे आप गौर से देखिएगा। यहाँ पे फर्स्ट में है पिक्चर यानी आपका फोटो अपलोड करना है, और सेकेंड में सिग्नेचर। आप कोई कोई ऐसे होते हैं जो पहले सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं उसके बाद चेंज करना चाहते हैं। याद रहे अगर आप इसमें कोई गलती करते हैं तो चेंज करने में बड़ी दिक्कत होती है, चेंज नहीं होता है जल्दी। इसलिए सबसे पहले आप अपना फोटो यहाँ पे अपलोड कर लेंगे, उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए सबसे पहले चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे आपको सीधे डेस्कटॉप पर ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ से अपना एक फोटो चूज कर लेना है, अपना जो फोटो है उसे चूज कर लेना है। उसके बाद सिंपली आपको इंटर कर देना है। जैसे आप इंटर करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो आ गया है। अब इसको अपलोड करने से पहले यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर चूज कर लेंगे, फिर अपलोड करेंगे। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपको अपलोड पर क्लिक करना है। बिना अपलोड किए ये अपलोड नहीं होता है, तो आपको अपलोड पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप अपलोड करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं प्रोफाइल इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। फिर आपका सेकेंड है सिग्नेचर को अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोफाइल सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली हो गया है। अब आपको सिंपली साइनअप पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइनअप पर क्लिक करेंगे आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका साइनअप हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। यहाँ पे क्या क्या है पूरा डिटेल्स है यहाँ पे आपका शो करने लगेगा। अब आपको सिंपली गो फॉर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गो फॉर लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपको डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर देगा लॉगिन ऑप्शन पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन का ऑप्शन भी आ गया है। सबसे पहले यूजर नेम है, फिर पासवर्ड है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना यूजर नेम डालना है, फिर पासवर्ड डाल लेना है। यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद आपको लॉगिन करने के लिए सिंपली लॉगिन सेक्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम फॉर्म है, एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर जेनरिक इलेक्टिव 2017-20 और 18-21। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक दो ऑप्शन है, एक एग्जामिनेशन फॉर्म है और दूसरा एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर जेनरिक इलेक्टिव। आप कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको सिंपली एग्जामिनेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एग्जामिनेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस आ गए हैं, आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करते ही आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका फॉर्म ओपन हो गया है। पहला है सर्च में है, कोर्स है, सेमेस्टर है, स्टूडेंट टाइप है और फिर रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपका कंपलसरी यहाँ पे शो करने लगेगा, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन नंबर जो रजिस्ट्रेशन किए थे उसी टाइम आप डाले थे, इसलिए वो रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटोमेटिकली आ गया है। तो सबसे पहले आपको कोर्स सेलेक्ट कर लेना है, यूजी या फिर FYUGP। तो आप सिंपली FYUGP सेलेक्ट कर लेंगे। फिर सेकेंड में आता है आपका सेमेस्टर, आप सेमेस्टर वन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका स्टूडेंट टाइप एक्स रेगुलर है या फिर रेगुलर है, आपको रेगुलर सेलेक्ट कर लेंगे। याद रहिए यूजी क्यों आता है, यूजी क्योंकि अगर कोई फेल किया है यानी पिछले वाला लोग, तो उसके लिए यूजी है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। अब आपको सिंपली सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका पूरा डिटेल्स है, अब इसे देख के वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद ये पूरा डिटेल्स आ गया। अब आपको सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं कंफर्म करने से पहले एग्जाम फीस कितना लग रहा है। आपका एग्जाम फीस है 600 रुपये लग रहा है। अब आपको सिंपली कंफर्म कर देना है। दोस्तों जैसे आप इसे कंफर्म करेंगे उसके बाद एक ऑप्शन आ जाता है प्रोसीड का, तो आपको सिंपली प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट सेक्शंस, ड्यूरिंग पेमेंट प्लीज डू नॉट हिट रिफ्रेश और बैक बटन और क्लोज दिस विंडो, यानी इस इंस्ट्रक्शन को आप ध्यान से पढ़ लेंगे। उसके बाद ही आपको सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट रिक्वेस्ट पर आप क्लिक करेंगे आपका सीधे पेमेंट ऑप्शन पर ट्रांसफर कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वंडरलाइंस इंडियन पेमेंट सिस्टम, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा पेमेंट का ऑप्शन पर आ गया है। दोस्तों ये पेमेंट का ऑप्शन आ गया, आपको सिंपली कार्ड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कार्ड पर आप क्लिक करेंगे आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा, कार्ड डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना है। फिर आपको सिंपली पे पर क्लिक कर देना है। पे पर क्लिक करने के बाद एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, उसे ओटीपी को आपको डालना है। फिर आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंफर्म पर आप क्लिक करेंगे आपका पेमेंट हो जाएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर कहीं भी समझ में ना आए तो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।